भारत की हार के बाद कुछ बल्लेबाजों के शॉर्ट सेलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। इस लिस्ट में विकेट कीपर ऋषभ पंत का नाम सबसे आगे है। दूसरी पारी में तो ऋषभ पंत के आउट होने के तरीके पर कुछ ज्यादा ही सवाल खड़े हो गए। पंत उस पारी में अपनी तीसरी ही गेंद पर रबाडा के खिलाफ आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट आए। अब हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ी बात कही है। द्रविड़ का कहना है कि पंत को आक्रामक शॉट खेलने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन उससे पहले उन्हें क्रीज पर कुछ टाइम बिताना चाहिए था ताकि उनको सिचुएशन का अंदाजा हो सके। साथ ही द्रविड़ ने उम्मीद जताई कि ऋषभ पंत समय के साथ और बेहतर हो जाएंगे। द्रविड़ ने भारत की 7 विकेट से हार के बाद कहा कि हम जानते हैं ऋषभ पंत सकारात्मक और एक विशेष तरीके से खेलते हैं, इससे उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिली है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ऐसे समय होंगे जब हम उनके साथ कुछ लेवल की बातचीत करने जा रहे हैं। बस उस शॉट को खेलने के लिए समय का थोड़ा सा चयन करना होता है। पंत सीख रहे हैं, वो सुधार करते रहेंगे और बेहतर होते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ऋषभ पंत का खेल बिगड़ रहा है, उन्हें टीम से बाहर हो जाना चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है कि ऋषभ पंत अपने खेल में और सुधार कर सकते हैं और उन्हें टीम में बने रहना चाहिए, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।